नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक का प्रयोग क्या है और जॉयस्टिक का विकास किसने किया था। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक का प्रयोग क्या है और जॉयस्टिक का विकास किसने किए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप लगातार उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, है ना। और अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है। तो आपका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। डीसी का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। ऐसे और भी हमने कई सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बता चुके हैं, जिसमें आज एक बात करें जॉयस्टिक के बारे में, जॉयस्टिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉयस्टिक इज एन आल्सो इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू प्लेइंग द वीडियो गेम इन कंप्यूटर इज कॉल्ड जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ऐसे जॉयस्टिक का प्रयोग और भी कई जगहों पे अलग अलग रूप में किया जाता है और किया गया है, लेकिन कंप्यूटर में जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया गया है, है ना। आगे लिखा हुआ है एंड इन्वेंटर नेम इज जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक का विकास जॉयस्टिक के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। जॉयस्टिक का विकास जॉयस्टिक के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। आपका हिंदी में भी डिफिनेशन दिया गया है। जॉयस्टिक भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। हमने पहले भी बात की थी कि जॉयस्टिक भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है, है ना। और इसका प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। और इसका आविष्कार जॉयस्टिक के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। तो आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए हम थोड़ा सा और भी बात इस पर करते हैं कि जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस क्यों बोला गया है और इसका काम क्या है। तो काम तो हम बता ही दिए कि इसको वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग कोई वीडियो गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, तो अभी तो हम लोग कीबोर्ड के जरिए खेल पाते हैं, और जॉयस्टिक का भी वही है। ये भी जस्ट लाइक रिमोट के तरह ही होता है। अपने टीवी घर पे देखें, घर पे टीवी देखते होंगे, तो कभी कभी हम लोग को चैनल चेंज करना होता है, तो हम लोग रिमोट के माध्यम से चैनल को चेंज कर पाते हैं। जो भी चैनल बदलना होता है, 1, 2, 3, 4 जो भी हो, तो हम लोग रिमोट में जो भी बटन को इनपुट करते हैं, इनपुट देते हैं, दबाते हैं, उतने नंबर के चैनल हमारे आ जाते हैं। तो इसी के तरह जॉयस्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, और वीडियो गेम में काफ़ी सारे गेम होते हैं जो अलग अलग रूपों में खेला जाता है, है ना। अभी पबजी आपका गेम काफ़ी फेमस चल रहा है वो, तो उससे भी आप कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। और वीडियो गेम के जरिए से हम लोग और भी अच्छे से खेल सकते हैं, है ना। मोबाइल में भी खेल सकते हैं, मोबाइल में भी तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसे कंप्यूटर पे खेलना होगा तो हम लोग जॉयस्टिक के जरिए, और जॉयस्टिक कई तरह के आ गए हैं, जॉयस्टिक बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो जॉयस्टिक आए थे, जो आपने देखे होंगे फोर व्हीलर के गेयर, जस्ट लाइक उसी के तरह था, देखने में वैसा ही लगता था, उसी के तरह हम लोग मूव करते थे तो वर्क कर पाता था, है ना। लेकिन अभी जॉयस्टिक कुछ अलग अलग रूपों में देखने के लिए मिलेगा। आपने देखे होंगे कि वीडियो गेम भी कहीं वीडियो गेम स्टोर खुला हुआ है, जो बच्चे लोग वहाँ पे घंटे दो घंटे के लिए खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा देना होता है। तो आप एक रिमोट देखे होंगे हाथ में, एक रिमोट के जरिए इस तरह से शरीर को भी साथ साथ में गेम के साथ में शरीर को भी हिलाते रहता है ना। तो हाथ में जो ये रिमोट रखे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक।
अभी हम लोग को जॉयस्टिक इसी तरह का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ और रूप में देखने के लिए मिल रहा था, है ना। लेकिन हम लोग का अभी जो देखे हैं, आप इसे नेट पर सर्च करेंगे जॉयस्टिक, कुछ अलग अलग रूप में आपको तस्वीर मिलेंगे देखने के लिए। तो जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, और इसके मदद से हम लोग काफ़ी आसानी से उस गेम को ऑपरेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। इसीलिए जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस कहा गया है। तो अब समझ में आया कि जॉयस्टिक क्या है और क्यों इनपुट डिवाइस कहा गया है, जिसके इसके मदद से हम लोग अच्छे से बढ़िया से वीडियो गेम को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, खेल सकते हैं, है ना। तो समझ में आया आप, गुड। तो आज के वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफोन क्या है और उसका प्रयोग क्या है। आज के वीडियो हमने पढ़े हैं जॉयस्टिक किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या है और इसका आविष्कार किसने किए थे, है ना। हाँ, और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, है ना। नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलते हैं, प्लास्ट करते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।